ये है गाड़ी और इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका इंजन, और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह लग रखी है, और ये इसके शॉकर के अंदर तो पूरा मिट्टी भरी पड़ी है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग जावे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि आप सब हो इतने प्यारे। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के दिन कुछ खास करते हैं। सो गाइस, तो ये ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देहरादून से, और अभी मॉर्निंग के 10 बज गए हैं। बीच में हमने गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा चलाया और उस वजह से अभी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। सो बीच में धुलना था लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया, सो मैंने सोचा अभी ले जाते हैं, अभी मॉर्निंग का टाइम है और ट्रैफिक भी थोड़ा कम ही रहता है। तो हैंड्स फ्रेंड्स, तो अभी मैं आ चुका हूँ रूम से बाहर, और ये रही यहाँ पर अपनी गाड़ी। तो एंड तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी मैंने गाड़ी अपने रूम से बाहर निकाल ली है और बाइक बाहर में इतने प्यार से लाया स्लोली स्लोली, क्योंकि गाड़ी का जो वेट है वो मेरे से कई ज़्यादा भारी है। तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पिछले टाइम पर तो मेरे साथ अजय भाई था, तो इस बार अब खाली नौ थी भाई और मैं ही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम धर्मपुर चौक है ये वाले हनुमान मंदिर पर, और ये रही यहाँ पर अपनी गाड़ी, और ये रही हमारी गाड़ी की चाबी। सो पहले ये कुछ इस तरह से थी, तो हमने इस पर चाबी का केस लगा दिया है, तो अब चाबी का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। बाकी अभी यहाँ से मुझे गाड़ी निकालनी है और हमें जाना आगे धर्मपुर की साइड को। तो ये दोस्तों सामने पे धर्मपुर, और सामने पे रहा आरागढ़, और ये यहाँ पे हनुमान मंदिर, और ठीक किसी के ऊपर की साइड पर है एक छोटी सी वर्कशॉप। सो यहाँ पे हमने बात कर रखी थी गाड़ी को वॉश कराने की। वैसे तो गाड़ी का जो सारा काम था वो शोरूम में ही हो जाता, लेकिन वो बहुत ही दूर हो गया राजपुर रोड, तो हम अभी अपने पास वाले इधर ही पे देख रहे हैं। सो जहाँ पे हमें कंफर्टेबल लगे, क्योंकि आपको भी पता है न्यू गाड़ी है और इतना अभी ट्रैफिक में जाना सही नहीं है। सो फिलहाल अभी यहाँ पर हम थोड़ा वेट करते हैं, और जैसे ही अपनी बारी आती है तो फिर गाड़ी का जो भी काम है वो स्टार्ट करेंगे। ये है गाड़ी और इसकी मैं आपको कंडीशन दिखा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका इंजन, और यहाँ पे अभी बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह लग रखी है। सो आपको अंदर से दिख रहा होगा और बाहर से भी आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ से इसका साइड लुक चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अंदर कितना ज़्यादा गंदगी है, और ये इसके शॉकर के अंदर तो पूरा मिट्टी भरी पड़ी है। तो पिछली बार इस गाड़ी से अजय भाई और नवदीप भाई घूमने गए थे, सो बीच में तो टाइम मिला नहीं हमें, सो मैंने सोचा आज इसको धुल लेते हैं। गाइस, फाइनली अभी अपनी गाड़ी आ चुकी है बाहर, और यहाँ पे भैया जी, तो अभी अपन लोग निकल चुके हैं यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम थोड़ा मेन हाईवे से थोड़ा अंदर को आ चुके हैं। सो भैया की वर्कशॉप है, उनकी बाहर है, लेकिन गाड़ी का जो वॉशिंग का काम होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं, और जैसे हमारी गाड़ी पूरी धुल के रेडी हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। सो ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए।
अभी हमारी गाड़ी वॉश होके कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका अभी मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो अभी अपनी गाड़ी हुआ है यहाँ पे, तो बाकी आप देख सकते हो इसका फाइनल जो लुक है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो पहले से तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा है, पहले इस पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह थी, मिट्टी वगैरह थी यहाँ, तो अभी पूरा क्लियर हो चुका है और पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है गाड़ी। अभी अपनी गाड़ी पर चल रही है पॉलिश का काम, तो यहाँ पर जो पॉलिश होती है वो हमारी प्रेशर गन से होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया जी यहाँ पे प्रेशर गन से पॉलिश कर रहे हैं। तो जैसे हम घर में गाड़ी को पॉलिश करते हैं तो वहाँ पे नॉर्मल पॉलिश आती है और डब्बे में रहती है, डब्बे से हमने कपड़े पे लगाया और इतने हम गाड़ी पे मारते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा एडवांस है। यहाँ पे पॉलिश को प्रेशर गन में डाला जाता है, उसके बाद गाड़ी पर प्रेशर किया जाता है, तो उसमें गाड़ी की जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ जाती है। सो अभी यही चल रहा काम, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इसमें। बाकी गाड़ी का लुक तो मैंने आपको चेक करा दिया है, बहुत ही बेस्ट लग रहा। तो अभी लगभग हमारी पूरी गाड़ी पे पॉलिश कंप्लीट हो चुकी है, तो ये अपनी गाड़ी आ चुकी है बाहर और अब आप इसका लुक देख सकते हो। फाइनली अभी अपनी गाड़ी की जो वॉशिंग थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और वैसे गाड़ी पे कपड़े वगैरह लगाना था लेकिन हमने फिलहाल मना करा, हमने कहा कि थोड़ा देर ये गाड़ी को धूप में रखेंगे, उसके बाद उसमें फिर शाइनिंग कुछ ज़्यादा मिलेगी हमें। तो अभी फिलहाल थोड़ा देर यहाँ पर वेट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे अपने रूम के लिए। जितना भी गाड़ी पे काम था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से ये नवदीप भाई गाड़ी में बैठ चुके हैं। दिलों की मोहब्बत को बांधे क्यों हारे दायरे दायरे। अभी हम पहुंच के अपने रूम के बाहर और यहाँ से अभी गाड़ी लाएंगे नवदीप भाई अंदर को। सो यहाँ पे अपने नवदीप भाई सुरेश, तो ये अपनी गाड़ी। तो भाई फाइनली अभी हम रूम पे पहुंच गए और ये रही हमारी गाड़ी। सो पहले तो इसका आपको मीटर दिखा देते हैं। सो अभी तक हमने गाड़ी चला लिया 196 किलोमीटर जहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सो फिलहाल अभी चाबी को निकालते हैं और ये रही इसकी चाबी। सो अभी आप देख सकते हो गाड़ी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है और थोड़ा इसको यहाँ से देखते हैं। सो जब मैंने आपको पिछली बार दिखाया था तो इसके जो ये है पिछला वाला सफ़र तो अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी भरी हुई थी। सो अभी पूरा क्लियर हो चुका है धुलने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी तो आप देख ही सकते हो गाड़ी तो अपनी है ही मस्त। तो फिलहाल अभी चलते हैं रूम पे क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। एंड सो गाइस, तो फाइनली अभी हम रूम पे आ चुके हैं और हम गए थे बाइक की वॉशिंग के लिए। सो आपने देख लिया होगा कि पहले गाड़ी कैसी थी और धुलने के बाद गाड़ी का जो लुक है और गाड़ी की जो शाइनिंग है वो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको जिस भी टॉपिक पे ब्लॉग चाहिए होगा सो आप कमेंट करके जरूर बताना, सो उस टॉपिक पे फिर मैं ब्लॉग बना दिया करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।